नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं प्रियांशा और जैसा कि आप जानते हैं वेडिंग का सीजन है। कपड़े, जूते, गहने एक से बढ़कर एक, महिलाएं और सभी कोई मिलकर शॉपिंग कर रहे हैं। तो वहीं हम आप पहुंचे हैं महिलाओं की ज्वेलरी की शॉपिंग देखने के लिए। चलिए आपको भी दिखाते हैं कि इस बार कौन सी ज्वेलरी सबसे ज्यादा ट्रेंड पर है। शादियों का मौसम अपने शबाब पर है, ऐसे में लड़कियां और महिलाएं अपनी खूबसूरती और फैशन स्टाइल को लेकर काफी सक्रिय हो गई हैं। हर लड़की किसी भी अवसर पर दूसरे से ज्यादा स्टाइलिश दिखना चाहती है, फिर चाहे त्योहार हो या शादी। तो चलिए शादियों के इस सीजन में हम आपको दिखाते हैं इस बार कौन सी ज्वेलरी बनी महिलाओं की पहली पसंद। राजधानी के बाजार में महिलाएं शादी के लिए कुंदन और स्टोन वाले आभूषण लेती नजर आई। भारी वजन और हल्के वजन वाली इमिटेशन ज्वेलरी दोनों की खरीदारी कर रही हैं। वहीं दुकान पर पहुंची महिला ने बताया कि उन्हें हैवी सेट वाली ज्वेलरी खूब लुभा रही है और वो साड़ी से मिलते जुलते रंग वाले भारी सेट खरीद रही हैं। मैम, अभी तो शादी के लिए तो हैवी वर्क स्टोन वाली लॉन्ग में लेना चाह रहे, हैवी वर्क टाइप में लेना चाह रहे, एडी का हो गया या फिर मोती वोती स्टोन टाइप में लेना चाह रहा है, पसंद करना चाह रहे हैं। वहीं बीबी ज्वेलर्स के संचालक कुणाल राठौर ने बताया कि कुंदन जड़े गहने की मांग बढ़ रही है। अमेरिकन डायमंड से बना चोकर नेकलेस सेट का काफी क्रेज है। गले से चिपका हुआ हल्के रंग के नक से बने चोकर स्टाइल के नेकलेस काफी आकर्षक लगते हैं। रायपुर मालवीय रोड के एक अन्य ज्वेलरी विक्रेता ने बताया कि हर तरह के आभूषणों को किराए से भी दिया जाता है, चाहे वो दुल्हन सेट क्यों ना हो। किराए से ज्वेलरी ले जाने वालों को ज्वेलरी लौटाने का एक दिन का समय दिया जाता है। वहीं एक दिन का 3,000 से लेकर 5,000 रुपए तक का किराया लगता है। देखिए, वेडिंग सीजन अभी स्टार्ट हुआ है दिवाली के बाद, तो कुंदन और पोलकी की रेंज तो हमेशा चलती है, बट कलर में ग्रीन कलर काफी इन है अभी। और कुंदन वगैरह में जैसे हैवी चोकर सेट्स हो गए, लॉन्ग सेट्स हो गए, थोड़ा बहुत साउथ इंडियन वगैरह पैटर्न भी इस बार ट्रेंड में है। इसके अलावा एडी वगैरह की रेंज काफी डिमांड में है इस बार, तो ये वर्क कर रहा है और काफी अच्छा डिमांड भी है, अभी मार्केट भी काफी अच्छा है। इससे ब्राइडल सेट थोड़ा सा एंटिक लुक में, जैसे कुंदन हो गया, जलाव हो गया, थोड़ा सा मारवाड़ी पैटर्न है, थोड़ा सा लीक से हट के इस बार क्या है, अपन 2 साल जैसे कोरोना के टाइम सब घर में थे, तो सबको एक्साइटमेंट है कि हम और गॉडी और हैवी पहने, तो अब लाइट ज्वेलरी थोड़ा इन नहीं है, हैवी में ज्यादा वर्क कर रहे हैं लोग। एयरिंग्स तो खैर ऑल टाइम डिमांड में रहती है, सिर्फ एयरिंग्स और मांग टीका के सेट पहनते हैं लोग, उसको प्रेफर करते हैं। और सेट वगैरह बेसिकली जो ब्राइडल्स होती हैं उनके ही ऊपर ज्यादा वर्क कर रहा है अभी। देखिए, ब्राइडल सेट अगर अच्छे में लेंगे अपन कुंदन वगैरह में, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1500, 1500 ऑनवर्ड से स्टार्ट होती है और लिमिट तो खैर 5,000-10,000 तक का लिमिट है इसकी। और नॉर्मल अगर देखेंगे जैसे ब्राइड की मदर है, सिस्टर है, उन लोग अगर रिलेटिव्स हैं, उन लोग कुछ लेना चाहते हैं, तो उनकी ज्वेलरी समोज 500 रुपए से स्टार्टिंग होके 1500-2000 तक के रेंज में काफी अच्छी वैरायटी आ जाती है इसमें। इसके साथ ही इमिटेशन ज्वेलरी विक्रेता अक्षय जैन ने बताया कि इस बार ग्रीन कलर का काफी ट्रेंड है। ड्रेस से मैच करता हुआ हरा रंग और डार्क रंग वाली ज्वेलरी बहुत खूबसूरत लगती है। गहनों के पैटर्न जैसे झुमके, गले के नेकलेस, मांग टीका, अंगूठी, कंगन, सभी में इन दिनों ग्रीन कलर का काफी चलन है। डिमांड तो भी बहुत अच्छी है और सभी प्रकार की ज्वेलरी चल रही है। एडी है, एंटीक है, कवरिंग की ज्वेलरी है, हमारे पास रेंट में भी मिल जाती है ज्वेलरी। रेंट में जैसे एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, जैसे दुल्हन को लगता है, बाहर ले जाने के लिए लगता है, सब मिल जाती है। उसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं हम लोग, वो आपका 3,000-4,000 रहता है, पर डे का रेंट रहता है 1,000-1,200-1,500 उसके हिसाब से, सेट पे डिपेंड करता है। क्रिस्टल के चोकर वो सब डिमांड में है, एंटिक चोकर डिमांड में है, एडी के आप जैसे इस टाइप के सेट वो सब देखेंगे, चोकर वो सब, ये सब डिमांड में। तो आपने देखा कि किस तरीके की डिमांड इस बार ज्वेलरी में चल रही है, भारी ज्वेलरी हो या चाहे लाइट ज्वेलरी हो, हर तरह की डिमांड आप देख रहे हैं। महिलाओं में काफी क्रेज है ज्वेलरीज को लेकर, मैचिंग ज्वेलरीज, मैचिंग कान के, हर चीज को लेकर काफी कुछ देखने को मिला है।